आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स फाइंडर्स एकेडमी अकेडमी पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का तीसरा टेन्योर स्टार्ट हो चुका है बहुत लोग मोदी के समर्थन में हैं बहुत लोग मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दो बहुत बड़े सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मोदी सरकार के वो है पहला इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना और दूसरा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके गवर्नेंस को बेटर करना दीज टू थिंग्स हैव बीन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो तेरह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को लॉन्च किया गया था आज के इस सेशन के बनाने का रेलिवेंस ये है कि आज तीन साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के और ये जो तीसरा साल का सक्सेस है वो इससे पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो इंडिया के नेबर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है इसको शेयर किया जाए उन कंट्रीज़ के साथ भी सो so दैट वो भी टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की मदद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो so, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है क्या किन किन कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया है और भी इस गवर्नमेंट की जो सक्सेसफुल लॉन्चेज हैं जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे And also we will talk about what Modi government should do more government shortfall in order to ensure that becomes a by 2047. So I welcome you on Pathfinders by an academy. But आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किन अकेडमी आई एस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट होने जा रहा है न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम का बैचेस ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट हो रहे हैं आपको पता है कि अन अकेडमी आई एस जी कोर्स के अलावा सी सैट ऐसे राइटिंग कोर्स ऑप्शनल कोर्सेज करेंट अफेयर्स कवरेज फुल एंड टेस्ट सीरीज़ ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अन अकेडमी के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे नाउ आज जब तीसरा साल हो चुका है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहे हैं स्कीम से पहला कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो ये स्कीम है इट इज नाउ गोइंग ग्लोबल ग्लोबल मतलब अब इसका जो टेक्नोलॉजी है इसका जो नोहाव है दैट विल बी एक्सपैंडिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मिक्स का एग्जाम्पल इंडिया से उस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प मांगा है दूसरा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो अभी तक केवल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिमिटेड थे नाउ दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी विल बी ऑल्सो ओपेंड टू बी यूज फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर तरीके से क्रिएट किया जा सकता है दो कंट्रीज जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट साइन शो किया है साथ ही साथ एमओयू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है वो है नेपाल और श्रीलंका सो so, नेपाल और श्रीलंका ने क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो गति शक्ति योजना है इसका जो टेक्नोलॉजी है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन कंट्रीज़ के साथ भी शेयर किया जा सके ये बताता है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर एरिया में खासकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज आपको पता है चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन चीज़ों में इंडिया से सुपीरियर है बट वन थिंग वेयर इंडिया इज रिक्वायर्ड इज इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स सॉफ्ट पावर लाइक डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट एंड सेक्यूलरिज्म वहां पे चाइना हमसे कंपीट नहीं कर सकता है इसलिए जितने भी कंट्रीज है पड़ोसी उनको अगर इस तरीके का मदद चाहिए तो इंडिया है ऑलवेज टूटफूट अब क्या है ये पीएम गति शक्ति योजना जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया है पीएम शक्ति योजना को समझने के पहले हमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को समझना होगा कोविड के पहले 2019 में प्रधानमंत्री जी ने एनआईपी इंट्रोड्यूस किया था इस एनआईपी के अंदर 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात हुई थी पांच साल में 2019 से लेके 25 तक अप्रोक्सीमेटली पचहत्तर सौ प्रोजेक्ट्स इसके अंदर बनाए जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स में रेलवे प्रोजेक्ट्स हाईवेज प्रोजेक्ट्स पोर्ट्स एयरपोर्ट इनलैंड वाटरवेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें प्लान थे बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि इंडिया में हम कोई भी रोड बनाने जाते हैं तो उस रोड का हमारा खर्च होने लगता है मान लीजिए हमने ये सोचा कि यह सड़क में बनाऊंगा इसकी खर्च होगी सौ करोड़ बट जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इस प्रोजेक्ट का खर्च सौ करोड़ से बढ़कर दो सौ करोड़ हो जाता है ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग प्रॉपर से नहीं किया है हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर से नहीं किया है इसीलिए कॉस्ट ओवररन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इंडिया के लिए जबकि इंडिया के पास पैसे की एक लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन काम बहुत बचा है इसलिए हमें पैसे का यूटिलाइजेशन बेटर करना है हमें पैसे की बर्बादी रोकनी है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जब लॉन्च किया था तो उनकी गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि 111 लाख करोड़ को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज़ तभी कर सकते हैं जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्लानिंग बेटर तरीके से करें इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया गया था सो दैट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति दिया जा सके गति मतलब इनको अप किया जा सके बिकॉज टाइम डीले होने की वजह से ही कॉस्ट ओवररन की समस्या होती है इसमें समझिए होता क्या है आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि पहले आपके घर के पास एक सड़क बना सड़क बन के कंप्लीट हो गया अब क्या हुआ यहां से गैस पाइपलाइन लगना था सड़क बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे का है गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है अब सड़क बन रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसको ये गैस पाइपलाइन लगाना था इसको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे सड़क बनने वाला है इसने सड़क बनानी दो 2017 में खत्म हो गया अब 2018 में या 2017 के कुछ महीने बाद ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पहुंच गया यहां पे लगाने। जब वो वहां पहुंचा तो देखा सड़क तो ऑलरेडी बन चुका है तो इसने क्या किया अब सड़क का खुदाई करना चालू किया सड़क की खुदाई हुई उसके बाद इसमें गैस पाइपलाइन बिछाया गया फिर सड़क बनाया गया तो आप समझिए क्या ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है एक ही सड़क को दो बार बनाना पड़ा इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं अगर हम किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे के बीच में कर सकते थे बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन गैप इस तरीके के वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इंडिया में काफी कॉमन है इसी चीज के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया जहां पर सोलह मिनिस्ट्रीज जो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस वेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाते हैं इन सभी को एक पोर्टल के ऊपर लिंक कर दिया जाएगा एक पोर्टल के ऊपर इन सारे स्कीम्स को लिंक कर दिया जाएगा इन सारे मिनिस्ट्री को लिंक कर दिया जाएगा सो दैट so अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज इन रोड को बनाने वाला है तो ये जाके उस पोर्टल पे देख सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑलरेडी प्लान कर रखा है तो पाइपलाइन हम में हमने प्लान किया है इसको हम बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर सारे 16 मिनिस्ट्रीज लिंक किए जाएंगे ये पहला चीज है जिससे हम लोग बेटर प्लानिंग कर सके दूसरा खास बात क्या है इसमें कि जो नाश, जो पीएम गति शक्ति पोर्टल होगा इस पोर्टल में एक और खास बात होगा कि रियल टाइम पे हम यह देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहां से कहां से से कंप्लीट हुआ है सपोज आपका सड़क यहां से यहां तक बनना था बट अभी तक सड़क केवल यहीं तक बना है तो इस चीज को हम रियल टाइम पे देख सकते हैं क्यों बिकॉज इसरो जो है वो अपने सैटेलाइट के थ्रू इन सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा और उसको रियल टाइम पोर्टल के ऊपर डाल देगा सो दैट प्राइम मिनिस्टर से लेके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे लोग उस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन को ट्रैक कर सके और अगर प्रोजेक्ट में किसी तरीके का डिले हो रहा है तो उसका एक्शन लेके उसको ठीक कर सके तो ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन था विथ रिस्पेक्ट टू बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा बच रहा है अभी और हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे हो रहे हैं अगर अभी की स्टेटस बात करें तो 208 प्रोजेक्ट्स इस पीएम गति शक्ति के अंदर प्लान किया गया है विच इज अप्रोक्सीमेटली वर्थ ऑफ 16 लाख करोड़ रुपीस 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को इसमें लिंक किया गया है अब धीरे धीरे इसमें स्टेट के मिनिस्ट्रीज को भी लिंक किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भी लिंक किया जा रहा है ये जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन था ये इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है इस समय आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका डिजिटल आईडी लाइक आधार पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूपीआई ई के वाई सी डिजी लॉकर डिजिट सिग्नेचर ओ ओएनडीसी ओ का आपने नाम सुना होगा किस तरीके से ओ एनडीसी फ्यूचर में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के हेजमेनी उबर और ओला के गलत तरीके के प्रैक्टिस को खत्म कर देगा यह पूरा लिबरलाइज कर देगा हमारा ई कॉमर्स मार्केट जन धन योजना जिससे लगभग हरेक साल ढाई लाख करोड़ का हमारा लीकेजेस बचता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल इंडिया का मिशन था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना था ये केवल इंडियंस के लिए फायदा नहीं पहुंचा रहा है बट दिस इज इंडियाज एसेट जो कि बहुत सारे कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं आपको रिसेंटली पता होगा आसियान कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री जी मिले और वहां पे भी इंडिया ने उनको कहा है कि वी विल बी शेयरिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आधार और यूपीआई तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं आप अगर यूरोप में चले जाओगे तो यूरोप में आपको इस तरीके का एक ठेला वाला भी क्यूआर कोड लगाया हुआ है और वो पेमेंट लेता है वो वहां पे नहीं है जिस तरीके के इंडिया के 140 करोड़ का आपने नेशनल आइडेंटिटी बनाया है वो वहां पे नहीं है क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग से हटके इस तरीके के सर्विस की तरफ बढ़ना चाहिए जो इंडिया का बहुत एसेट है मैन्युफैक्चरिंग को हम ठीक करना मैनुफेक्चरिंग को हम सेल्फ लैंड बनाना नेहरू जी के समय से चल रहा है प्रधानमंत्री जी ने भी मेक इन इंडिया लॉन्च किया लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट जंप नहीं देखने को मिल रहा है एक हो गया है लेकिन अगर इंडिया की सर्विसेज सेक्टर की बात करें इसमें इंडिया बहुत ज्यादा आगे है एज कंपेयर टू चाइना ऑल्सो तो रघुराम राजन कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आज के समय इंडिया कितना भी चाहे उतना लेवल से उसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं बिकॉज आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है हर एक कंट्री नेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग लेट एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी को हम ठीक नहीं कर सकते ऑल दो हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए बट रघु राम फोकस करते हैं कि जो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज है सर्विसेज तो सर्विस लेट ग्रोथ करना चाहिए आप एक एप्पल का एग्जाम्पल ले एप्पल की जो कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है एप्पल अपना एक भी फोन मैन्युफैक्चर नहीं करती है वो सारा फोन मैन्युफैक्चर होता है चाइना या कहीं और लेकिन तब भी एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है क्यों बिकॉज वो सर्विस देती है सर्विस लाइक एप्पल का डिजाइन देती है एप्पल का मार्केटिंग सर्विसेस देती है तो इंडिया को भी सर्विसेज सेक्टर के थ्रू ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा और दो रघुराम राजन की एनालिसिस बिल्कुल सही नहीं है बिकॉज सर्विस सेक्टर में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वैल्यू तो बहुत ज्यादा है बट जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही ज्यादा है तो ये कैसे हम लोग इसका बैलेंस निकाल सके ये फ्यूचर में विकसित भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी दद होगा वॉट इंडिया एंड इंडियंस डू मोर पहला स्टॉप द ब्रेन भारत सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि हमारे टैलेंट इंडिया छोड़ के ना जाए इंडिया छोड़ के वो इसीलिए जाते हैं बिकॉज यहां पे उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है बिकॉज यहां पे आपको केवल ब्यूरोक्रेट और इन लोगों को ही मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस इनको रिस्पेक्ट मिलता है बट अ टेक्नोक्रैट जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे काम कर रहा है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है सो वी शुड रिस्पेक्ट दोज पीपल हु मेक इनोवेशन जिससे हम ब्रेन ड्रेन की समस्या को रोक सके एंड द कोलोनियल स्टैबिश माइंडसेट ये एक भारतीयों का बहुत बड़ा कोलोनियल लेगेसी है कि जो बाहर का है वो अच्छा है जो अपना है वो खराब है इस माइंडसेट से हमें दूर आना पड़ेगा अपने चीजों के लिए वोकल फॉर ग्लोबल जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है उसको हमें प्राउड चैंपियनशिप करना पड़ेगा तभी हम अपने सेल्फ इंडिजनाइजेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं आप देखिए बेस्ट एग्जाम्पल है रतन टाटा रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाई थी नैनो क्यों नैनो फेल हो गई इंडिया में बिकॉज हमारा माइंडसेट है वो लग्जरी वो इन चीजों की तरफ ज्यादा है बल्कि भारत सिविलाइजेशन जो है वो कभी भी कंज्यूमरिस्ट नहीं रहा था कभी भी ब्रांड बेस्ड नहीं रहा था बट आज कोलोनियलिज्म की वजह से ग्लोबल ब्रांड्स का इतना अट्रैक्शन है जिससे हमें लगता है कि द कॉस्टलियर इट इज द बेटर इट इज तो रतन टाटा जिनका हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं अगर हम उनके माइंडसेट का रिस्पेक्ट करते हैं कि कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया था टाटा नैनो के थ्रू कि एक पर्सन जो बाइक से जाके कार एक्सीडेंट करता है वही अगर गाड़ी बैठे तो उसकी सेफ्टी कम सेफ्टी बढ़ जाएगी बट स्टिल वी रिजेक्टेड दैट प्रोजेक्ट सो देन रिस्पेक्टिंग रतन टाटा वी शुड चेंज ब्रिंग आवर रिफॉर्म इन माइंड ेंज आवर थान ओनली वी विल रिस्पेक्ट रतन टाटा इन रियल तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियंस दोनों को करना चाहिए आने वाले टाइम में इस तरीके से चेंजेस लाने के लिए अगर आपके अभी कोई सुझाव है क्या इंडिया को करना चाहिए विकसित भारत के लिए कैसे इंडिया का टेक्नोलॉजी इंटरफेस को हम बेटर तरीके से शेयर कर सकते हैं चाइना को कंपीट करने के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक